काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो अभी डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, और डिप्रेशन सबसे बड़े डिप्रेशन और प्रॉब्लम जो है ये है कि अभी कंपटीशन का बहुत ज़माना है। बिना कंपटीशन के आपको ये एग्ज़ाम को भी सफलता जो है प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंपटीशन करना होगा, सर्वाइव करना होगा और अपने पढ़ाई में फोकस करना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा। लेकिन कई बार बहुत से स्टूडेंट जो है गिव अप कर देते हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आप लोगों के भलाई के लिए सही बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि गिव अप कर देते हैं और आप लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा। एक पोस्ट के लिए जो है 50,000 10,000 लोग अप्लाई करेंगे, 100 पोस्ट निकलेगा, 2 लाख और 1.5 लाख जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा? ऊपर से कट ऑफ इतना ज़्यादा जाएगा, तो कैसे सिलेक्शन जो है हो पाएगा? आप में से हर एक स्टूडेंट ये सोचते हैं, और कई बार आप लोग ये सोच समझ कर इतना परेशान हो जाते हैं कि अब लगता है कि पढ़ाई करना छोड़ दें, पढ़ाई बेकार है, इससे हम कोई काम करें, इससे हमें थोड़ा सा पैसा मिले। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप इतने दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, पहली से लेकर 12वीं तक के कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं, और आप एक एग्ज़ाम अगर आप सुनिए एक एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं 1-2 साल में, तो आप अपने आप को असफल महसूस करते हैं। आप यह सोचिए कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, या मेरे में वो काबिलियत नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, या आप जो गलत सोचते हैं। आप जो पहली से लेकर 12वीं तक ग्रेजुएशन 15 से 18 साल आपने मेहनत किया, पूरा कॉलेज कम्प्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएट आपका कम्प्लीट हो गया, आपने डिग्री डिप्लोमा सभी चीज़ कोर्स कर दिया है, आप तो कई बार भी असफल भी होंगे। फिर उस टाइम आपने क्यों नहीं सोचा कि अब मुझसे नहीं होगा? 10वीं या 12वीं में या फिर कॉलेज में अगर आपको लगा होगा कि ये इस एग्ज़ाम को मैं नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ ये एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई कर लूँगा और इससे 60% तो लाना ही लाना पॉजिटिव है। तो फिर किसी प्रकार अगर आपका 1 साल 2 साल 3 साल में लेकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं करता, तो आप अपने आप को कभी भी असफल मत समझना, और ये मत सोचना कि मुझ में काबिलियत नहीं है। आप में बहुत काबिलियत है, बस खुद को पहचानने की बस ज़रूरत है, और किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आप में कौन सी काबिलियत है या नहीं। आप कभी भी असफल नहीं होते, आप उन चीज़ों से सीखते हैं। तो यदि आप असफल भी हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उन चीज़ों से सीखे कि कहाँ पर मैंने गलती किया है, और उस गलती को ठीक कीजिए, फिर आप सफल जरूर होंगे। और खुद पर कभी भी अफसोस मत करना, खुद पर टॉर्चर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू।